गोलू के आगे देखाई। নতুন কিনেছো? একটা বসে ভিডিও করে দেখি, থাক। এই যে সৌন্দর্যটা চলে গেছে, এই যে সৌন্দর্যটা নেই, ওটা একদম চলে গেছে। বস বস বস, বসে পড়ো, বসো। বসো। এ আজি কারো কথাই শুনছে না, ও অ্যাক্টিভ আছে আজি। খাওয়া খিদে পেয়েছে কি? ফিক্স, ও ফিক্স ফিক্স খেয়েছে, ফিক্স করে দিবে। মেহেন্দি খায় নাকি? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी मेरे टेरेस गार्डन। तो ये रहा जो प्रोमेगनेट, जो अनार मेरे पौधे में, तो एक बड़ा हो चुका था तो वो मैंने तोड़ लिया और एक ऑलरेडी छोटा लगा हुआ है। देखिए कितना सुंदर हुआ है अनार। तो अपने पेड़ में अनार कुछ अलग ही मज़ा है। तो मैं यही आपके साथ शेयर करना चाहती थी, इसलिए आज छोटा सा मैं ब्लॉग लेकर आई हूँ, शॉर्ट ब्लॉग। होपफुली आपका उसका ब्लॉग मेरा अच्छा लगेगा। तो देखिए कितना सुंदर अनार हुआ है, छोटा सा चुटकू सा प्यारा सा। और ये है बड़ा वाला, तो इसको बड़ा नहीं कर सकती क्योंकि वरना ये सूख जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कूड़ी लगे थे, मतलब जो होता है ना, छोटे छोटे फल आए थे, लेकिन वो गिर चुके हैं, अभी नहीं है। तो ये देखिए मैं छत को घूम के दिखाऊंगी आपको, और कितनी धूप है, बहुत अच्छी लग रही है छत धूप में आज बहुत। तो आपके साथ मैं ये फूल शेयर करूँगी, फ्लावर आपके साथ शेयर करूँगी। फ्लावर कितने सुंदर है देखिए, कितनी ब्यूटीफुल है, रेड में बहुत ही सुंदर है। और इनके लीव्स कितने सुंदर है देखिए, येलो में ग्रीन में है प्रिंटेड से, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं इनके पत्ते। तो मुझे बहुत पसंद आया पेड़। इसके नाम मुझे उतना पर्टिकुलर पता नहीं है, मेरे हस्बैंड ने लगाया है, तभी तक मैंने पूछा नहीं है उनको, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल है फ्लावर्स देखिए। और कलर कॉम्बिनेशन तो ग्रेट है, नेचर की भी क्या बात है, अगर देखा जाए तो कितने सुंदर कलर कॉम्बिनेशन है, मुझे बहुत पसंद आया, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। तो यहाँ रहा, तो यहाँ पर सामने एक वाइट जो जवा फूल होता है उसका भी देखिए, ये जो अभी बंद है इसका कली, इसका खिला कली जो होता है खिला फूल, वो उन्होंने तोड़ के पूजा में दे दिया है। तो यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा मैं आपको शेयर कर रही हूँ मेरी टेरेस, मेरे छत। तो बहुत कुछ हस्बैंड ने लगाया है, तो और भी मैं ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए ये रहा जो कागज़ के फूल बोलते हैं हम लोग, तो ये येलो वाले कागज़ के फूल है, बहुत ही ब्यूटीफुल फूल है। और ये है जो हम लोग बंगाली में बोलता है दुपाटी, तो ये जो भी भगवान के आसन में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ये खूबसूरत है। ये बहुत सारे छोटे छोटे रोज़ेस टाइप होते हैं ये, तो ये बहुत सारे कलर में अवेलेबल होते हैं। मेरे पास ये पिंक में है, मेरे हस्बैंड ने जो लगाया था पेड़ उसमें पिंक कलर आया है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। एक बंच ऑफ एक साथ में रहते हैं और आसन में, भगवान के आसन में बहुत ही सुंदर लगते हैं देखिए। ऐ बोलू की कच्चो घूम पे चोर। तो आप अगर मेरे वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, देखिए कितना क्यूट है, गंद भी अच्छा लग रहा है, अपना पेड़ का कुछ अलग ही मज़ा है।
तो ये इसको ज़्यादा मैंने बड़ा नहीं किया वरना ये सूख जाएगा और अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए मैंने तोड़ लिया। तो मैं आपको काट के दिखाऊंगी किचन में जाके कैसा बना है, कैसा हुआ है, अंदर में लाल हुआ है, मीठा है कि नहीं, आपको सब चेक करूंगी। तो किचन में चलते हैं, तो यहाँ पे बहुत आवाज़ हो रही है, तो चलिए नीचे किचन में जाके आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे यहाँ पे आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया है। तो साथ में गेंदा फूल का जो मेरे पेड़ जो लाए थे गेंदा के, तो वो लगा दिया है उन्होंने, देखिए। तो पानी पी रही हूँ थोड़ी सी। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा, तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।